गाजियाबाद में फिर एक कुत्ते ने 10 साल के बच्चे कुश को बुरी तरह काटा। पिटबुल कुत्ते ने बच्चे का चेहरा किया लहूलुहान। कुत्ते के मालिक पर 5,000 का जुर्माना। पिटबुल कुत्ते के काटने से कुश के चेहरे पर लगाने पड़े 150 टाके। गाजियाबाद में घर के सामने पार्क में खेल रहा था बच्चा, इस दौरान कुत्ते ने किया हमला। नहीं आता, इतने हमें संज्ञान में नहीं है। रोड पे खेले बच्चे, एक्सीडेंट हो, पार्क में कुत्ते काट लें, ये तो अब समझना चाहिए प्रशासन को। इस पे स्टिक करें, ऐसे कुत्तों को बैन करें। खतरनाक पिटबुल डॉग को पार्क में घुमाने 16 साल की एक लड़की आई थी, वो हमले के वक्त कुत्ते को संभाल नहीं सके। गनीमत थी, ऊपर वाले की मर्जी थी, मैं दूसरे हमले में यहाँ पर आ गया। मैं जैसे ही अंदर पहुंचा वो कुत्ता हमला कर रहा था, मैंने बस मेरी कोशिश ये रही कि किसी भी तरह बच्चे को बाहर निकाल लूं यहाँ से। खतरनाक पिटबुल डॉग पर 41 देशों में है प्रतिबंध। हमले के वक्त पिटबुल का पर मालिक का भी नहीं चलता है बस। पिटबुल के मालिक ने खुद बयां किया ये सच। ना किसी बड़े के लिए भी मुश्किल हो जाता है। रोल में तो मैंने आपको बताया वो छोटी इतनी बच्ची थी कि कुत्ता आजकल इतनी ज्यादा जान हो जाती है, वो संभालना किसी बड़े के लिए भी मुश्किल हो जाता है। गोवा में कर्लिस क्लब के खिलाफ गोवा सरकार के सख्त एक्शन को लगा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कर्लिस क्लब को ढहाने से रोका। बुलडोजर एक्शन पर सीएम प्रमोद सावंत ने जवाब तलब। कर्लिस रेस्टोरेंट पर सुबह से चल रहे हथौड़े पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लगा विराम। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कर्लिस क्लब में फिलहाल किसी भी व्यापारिक गतिविधि पर लगाया अंकुश। आज कोस्टल रेगुलेशन जोन के अधिकारियों की मौजूदगी में ढाया जा रहा है रेस्टोरेंट। एससी के फैसले से रुका कार्य, अगली सुनवाई अगले शुक्रवार को। सोनाली फोगाट हत्याकांड के बाद चर्चा में आया था कर्लिस रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में ड्रग्स कारोबार का हुआ था खुलासा, उसके मालिक को भी किया गया था अरेस्ट। सोनाली फोगाट हत्याकांड में गोवा पुलिस अब तक कुल 5 लोगों को कर चुकी है गिरफ्तार। गोवा पुलिस ने हरियाणा आकर भी की थी जांच, जबकि सोनाली के परिजन कर रहे हैं सीबीआई जांच की मांग। दिल्ली के आजाद मार्केट इलाके में ढही 4 मंजिला इमारत, 5 मजदूर घायल, कई मजदूरों के दबे होने की आशंका। निर्माणाधीन इमारत जिस वक्त ढही उस वक्त इमारत में हो रहा था काम। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू मिशन जारी। अमरावती में कथित लव जिहाद मामले में पीड़िता ने पुलिस को दिया बयान। सांसद नवनीत राणा पर अफवाह फैलाने का लगाया आरोप, कहा परिजनों के आपसी विवाद से तंग आकर छोड़ा था घर। बद्रीनाथ मार्ग पर ब्रह्मपुरी के पास सड़क हादसे का शिकार हुए श्रद्धालु, 4 श्रद्धालुओं की मौत। बद्रीनाथ दर्शन के लिए जाते वक्त खाई में गिरी श्रद्धालुओं की कार, हादसे में 2 यात्री गंभीर रूप से घायल भी हुए, अस्पताल में चल रहा इलाज। आज गणपति भक्ति में डूबी दिखी मुंबई, लालबाग के राजा का हुआ विसर्जन। मुंबई की सड़कों पर उमड़ा बप्पा के भक्तों का हुजूम, विसर्जन जुलूस में जमकर उड़ा गुलाल। हैदराबाद में भी आज धूमधाम से हुआ गणपति का विसर्जन, गाड़ियों पर विसर्जन के लिए लाई गई भव्य मूर्तियां। हैदराबाद में क्रेन से हुआ बप्पा की विशाल मूर्ति का विसर्जन, बढ़ती गई हर संभव सावधानी। मध्य प्रदेश के रायगढ़ के एसडीएम के दफ्तर में गणपति प्रतिमा स्थापित की गई। सरकार से समस्या के लिए गुहार करने आने वाले बप्पा के पास भी लगा रहे समस्या के समाधान की अर्जी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन। तमिलनाडु में पदयात्रा पर निकले राहुल गांधी। तमिलनाडु के नागरकोइल में राहुल गांधी के साथ कई लोग पदयात्रा में शामिल, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पदयात्रा के दौरान राहुल ने प्रदर्शनकारी किसानों और कुछ यूट्यूब चैनल वालों के साथ टी पार्टी की, बड़ी सहजता के साथ लोगों के साथ चाय बिस्किट खाते नजर आए। पदयात्रा पर निकले राहुल गांधी को कार्यकर्ताओं ने भेंट किए कई तरह के उपहार, बांस से बनी कैप, हाथ से चलने वाला पंखा और अंग वस्त्रम किया भेंट। नागरकोइल में कांग्रेस ने भारत यात्रियों के लिए रूम ऑन व्हील का किया इंतजाम, 14 नंबर कंटेनर में ठहरे थे जयराम रमेश। हाईटेक कंटेनर में आरामदायक सुविधाओं का रखा गया भरपूर ख्याल, एसी सोफा और मुलायम बिस्तर का था इंतजाम। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्म स्थान विवाद में नंबर कंटेनर आपका था, दो बिस्तरे क्या है? ऐसे 60 कंटेनर हैं, करीब 230 लोग इस कंटेनर में रह रहे हैं। राहुल जी का एक कंटेनर है जहाँ एक बिस्तरा है, मेरा है, दो बिस्तरे, एक वेणुगोपाल दिग्विजय सिंह जी दो बिस्तरे हैं, वो हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है कंटेनर। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्म स्थान विवाद में कोर्ट में हुई सुनवाई। शाही ईदगाह से जुड़े मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में हुई सुनवाई। 4 वादों पर हुई सुनवाई। एक वाद में वादी पर 200 रुपए का जुर्माना लगा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा के वाद में सुन्नी वक्फ बोर्ड के हाजिर न होने के कारण नहीं हो सकी सुनवाई।
दिनेश शर्मा और हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक के वाद में अब 7 अक्टूबर को सुनवाई होगी, जबकि मथुरा विवाद में शैलेंद्र सिंह के वाद पर 20 सितंबर को होगी सुनवाई। बिहार के अररिया में दलित नाबालिग बच्ची से गैंगरेप, 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी मोहम्मद शहीद खान, जावेद आलम, फकरू को पुलिस ने बांका और मधुबनी से किया अरेस्ट। 19 अगस्त को 12 साल की दलित बच्ची को 5 आरोपियों ने वैन में किया था अगवा, गैंगरेप के कुछ आरोपी अभी भी फरार। शिवपुरी में बरपा हंगामा, जमीन विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, महिला आरक्षक से हुई मारपीट, उपद्रवियों ने फाड़ी वर्दी। उपद्रवियों ने पुलिस के वाहन में भी की तोड़फोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। मथुरा के जैत इलाके में जिला सहकारी बैंक में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुए कैश ले जाते चोर। महाराष्ट्र के कई इलाकों में आफत की बारिश, उल्लासनगर में जलजमाव से बड़ी मुश्किल। गरजते बादल और तेज हवाओं ने बढ़ाई मुश्किल, आसपास के इलाकों में बिगड़े हालात। थाने में जोरदार बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी, रेलवे ट्रैक भी जलमग्न। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने के बाद यात्रियों की बड़ी आफत, स्टेशन पर परेशान दिखे लोग। कल्याण में जोरदार बारिश की वजह से कल्याण की सड़कों पर भरा पानी, सैलाब में बहने लगी बाइक। भिवंडी में भी जल जमाव का संकट, सड़क पर सैलाब के बीच गुजर रहे लोग। नासिक में भी भारी बारिश से परेशानियां बढ़ी, रिहायशी इलाकों में सड़कों पर करीब 1.5 फीट तक भरा पानी। नासिक में गंगापुर डैम से पानी छोड़ने के बाद बढ़ी मुश्किलें, सड़क पर भरे पानी में फंसी गाड़ियां। नासिक के गणेश पंडालों में गहराया संकट, बारिश का पानी भरने से संकट। मुंब्रा इलाके में भी जोरदार बारिश से हाहाकार, नदी नालों में जबरदस्त उफान। तेलंगाना के हैदराबाद में भी झमाझम बारिश, सड़कों पर भरा पानी, ट्रैफिक पर ब्रेक। तेलंगाना में अभी आसमानी संकट टलने के आसार नहीं, मौसम विभाग का अलर्ट, 3 से 4 दिनों तक मुश्किल। कर्नाटक के गटक में रात भर जबरदस्त बारिश, मेडिकल कॉलेज में भरा पानी, स्टोर रूम में बहने लगे सामान। बेंगलुरु में भी मूसलाधार बारिश से संकट, कई इलाकों में जलजमाव। उत्तराखंड के रामनगर में भी कुदरती संकट से बेहाल जिंदगी, सड़क टूट जाने से आफत।